दो तरीके की कोशिकाएं मिलती हैं हमें, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवी रोहिला एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आज की क्लास में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं। जनरली हम अपनी क्लासेस में एनसीईआरटी लेवल से स्टार्ट करते हैं और हम एडवांस लेवल को इंटीग्रेट करके आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ में हम ट्राई करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको क्लास में ही नोट्स के फॉर्म में बताई जाएँ, ताकि आपको बाहर से किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। जैसे अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी में आगे की चीज़ें स्टडी करनी है, बायोटेक्नोलॉजी हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन कैसे होता है, डीएनए को कैसे ऑल्टर किया जाता है, कैसे हाइब्रिड डीएनए बना के उसको इंट्रोड्यूस करके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। तो अगर हम शुरुआत करें क्लास में डायरेक्टली एक डीएनए से, तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा कि सर हमें यही नहीं पता है कि डीएनए होता क्या है। और डीएनए के बारे में एडवांस लेवल तभी पढ़ा जा सकता है जब आपको उसका बेसिक्स पता हो। बेसिक्स में हम जैसे शुरुआत करें कि एक सबसे छोटी कोशिका होती है शरीर में, उसको हम सेल कहते हैं। सबसे छोटी एंटिटी जो होती है आपकी, लिविंग एंटिटी जो होती है बॉडी में, उसको हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज, छोटे टाइनी ऑर्गेन्स होते हैं, उनके बारे में भी हमें ब्रीफली पता होना चाहिए। कई बार होता है क्या है, यूपीएससी हमें बेसिक्स के ऊपर कोई स्टेटमेंट्स उठा के क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में डाल देता है, तो वहाँ पे हमें अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो उस तरीके के क्वेश्चंस हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्लासेस में हम ध्यान करते हैं कि ये सारी बेसिक जो आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ये भी क्लास में ही शेयर की जाए, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर हमें डीएनए का कोई टॉपिक शुरू करना है तो उसके लिए पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा एक कोशिका को। हमारी प्लांट्स या एनिमल्स, कोई भी लिविंग एंटिटी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर कोई ऑर्गेनिज्म छोटी सेल्स से, कोशिकाओं से मिलके बना होता है। उस छोटी कोशिका को हम सेल या एक सिंगल कोशिका कहते हैं। दो तरीके की कोशिकाएं मिलती है हमें, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और दूसरी तरीके की सेल्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोज मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव तरीके का न्यूक्लियस मतलब जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, वो किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो आपका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं यूकैरियोटिक, और कुछ एक स्ट्रक्चर्स दोनों तरीके की सेल्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आपका, जेनेटिक मटेरियल आपका, और साइटोप्लाज्म। और इन्हीं सब वर्ड्स को अभी हम समझते हैं एक डायग्राम की मदद से कि सर ये सारी चीज़ें क्या होती है। जैसे कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किसी भी कोशिका की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये आपकी सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है और सेल को एक शेप में रखती है। इसी तरीके से जब हम अंदर जाते हैं सेल के, तो एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है, जेली लाइक पदार्थ मिलता है, ये पूरी सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम प्लाज्मा बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाया जाता है। ये दो चीजें हर एक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। इसके अलावा अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक, जो कि एक हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। हायर ऑर्गेनिज्म से मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स में जो पाई जाती है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं।
इस सेल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है हमारा। न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड एक ऑर्गेनल है, एक टाइनी ऑर्गेन है सेल का। इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल मिलता है, और जेनेटिक मटेरियल जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो एक धागे जैसी धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, इनके अंदर डीएनए मिलता है, वो भी हम स्टडी करेंगे डिटेल में। जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी पूरे तरीके से शुरुआत करने से पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे, ताकि आपको लिंक करने में पूरी मदद मिले। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल में नॉर्मल तरीके से सेल प्रेजेंट है, उस समय ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है, और जब सेल डिवाइड करने वाली स्टेज में जाती है तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोजोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं बताने वाला हूँ कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन पहले हम यहाँ सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि डीएनए के साथ मिलके पाए जाते हैं। उसके साथ में न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो है हमारा राइबोजोम्स सिंथेसिस का। राइबोजोम्स एक अलग से टाइनी ऑर्गेनल है जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बनता है आपका न्यूक्लियोलस में। देखिए, एक और तरीका रहता है हमारा क्लास में कि आपको चीज़ों को लिंक करके बताया जाए। लिंक करके बताने से फंक्शन फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो समझने में और याद रखने में दिक्कत नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको रिवीजन में कम से कम समय लगता है। यहाँ पे मैं उसी तरीके से आपसे शेयर करने वाला हूँ इस कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस में आपका बनता है राइबोजोम्स। राइबोजोम्स आपके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। राइबोजोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोजोम्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल में। ये राइबोजोम्स आपके साइटोप्लाज्म में, जो कि जेली लाइक पदार्थ है, उसमें फ्लोट करते रहते हैं। कुछ राइबोजोम्स, एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपकी सेल के अंदर, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इसको इसलिए कहा जाता है कि जो राइबोजोम्स, जो कि ग्रेनुलर ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जब वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, न्यूक्लियोलस में बनने के बाद, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, और उसके स्टिक करने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हमें रफ दिखाई देता है, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं हम। अब अगर इनका फंक्शन हमें स्टडी करना है तो हम इसी लिंक करके ही स्टडी करेंगे। हमें पता है कि राइबोजोम्स में ने प्रोटीन को बनाया, प्रोटीन्स जब बने वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से पास होके बाहर आएंगे। जब वो पास होके बाहर आएंगे उसके अंदर फर्दर एडिशन होगा और उनकी शेप वगैरह में कन्वर्जन होगा, और वो यहाँ से वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में बाहर आएंगे प्रोटीन्स। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसके अलावा हमारी कोशिकाओं के अंदर एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। स्मूथ इसलिए कहा जाता है इनको कि इनके सरफेस पे राइबोजोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब ये स्मूथ होते हैं, ये फैट मेटाबॉलिज्म और फैट सिंथेसिस का काम करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फंक्शंस क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस दोनों ही रोल ये करते हैं। देखिए, अब हमें पता है कि हमारे पास वेसिकल्स है प्रोटीन्स के और लिपिड्स के। अब ये सेल में आ चुके हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं। अब हमें इसको फर्दर, हमारी सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ प्रोटीन्स में स्पेसिफिक शेप होती है, वो शेप भी हमारी सेल ही बनाएंगी, और सेल का कोई ऑर्गेनल है जो टाइनी ऑर्गेन है,
वो कौन सा है जो ये काम करता है, वो है गोल्जी अपैरेटस। ये हमारा एक अलग स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। गोल्जी अपैरेटस जो हमारे प्रोटीन वेसिकल्स हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिले हैं उसको मॉडिफाई करता है, प्रॉपर शेप देता है। अगर कई सारे प्रोटीन्स में अटैच्ड होते हैं हमारे लिपिड्स, उनको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स, वो भी हमारे गोल्जी अपैरेटस में बनते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे प्रोटीन्स के अंदर हो सकता है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हों, ये सारा फाइनल शेप देने का काम और दूसरे मॉलिक्यूल से अटैचमेंट का काम गोल्जी अपैरेटस करता है। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है सेल का। गोल्जी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है सेल का। देखिए ऐसे लिंक करने से हमें ना इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझने में दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए मैं लिंक करके आपको बता रहा हूँ एक स्टोरी के जैसे कि गोल्जी अपैरेटस हमारा पोस्ट ऑफिस के जैसे काम करता है और फाइनली जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म में और जो उनका प्रॉपर कंपोजिशन है उसमें कन्वर्ट करके सेल को अवेलेबल कराता है। इसके अलावा सेल के अंदर कुछ और ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। एक हमारा लाइसोजोम होता है, लाइसोजोम एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। लाइसोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं हमारे, सेल के अंदर हमें पता है कि सेल फंक्शन करेगा तो खाना भी कंज्यूम करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, उसके बाद उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट जब सेल के अंदर आएंगे तो उनको कुछ ऑर्गेन, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो रिमूव करे सेल से, उनको डाइजेस्ट करे, डिस्ट्रॉय करे, तो वो होता है आपका लाइसोजोम्स में। लाइसोजोम्स जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वीयर एंड टीयर है सेल का, उनको डिग्रेड करता है और इसीलिए इनको गार्बेज बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोजोम को गार्बेज बैग कहा जाता है सेल का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है ये कि गार्बेज बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड करता है जो कि सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। फाइन। उसके अलावा हमारी सेल के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल को शेप देने का काम करते हैं, उनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। जैसे ह्यूमन स्केलेटन होता है, एक ढांचा जो होता है इंसान का वो 206 हड्डियों से मिलके बना होता है, इसी तरीके से सेल का जो ढांचा होता है वो एक अलग तरीके के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है हमारी माइक्रोफिलामेंट्स जैसे माइक्रो मींस छोटे, फिलामेंट्स मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल के जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर से सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा साइटोस्केलेटन में जो चीज़ें होती है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो मींस छोटे, ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों ही साइटोस्केलेटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल में जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेशन होता है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पावर जनरेट होती है। पावर का मतलब एटीपी। एटीपी सेल की एक वो एनर्जी करेंसी होती है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ये हमारे फूड के ऑक्सीडेशन से बनती है और जो फूड का ऑक्सीडेशन है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है।
वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी फंक्शन की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब ये सब स्टडी करना इसलिए ज़रूरी था, कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से मैच दी कॉलम दिया जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोजाइम और इनके जो डिफरेंट नेम्स हैं गार्बेज बैग, पावर हाउस ऑफ द सेल और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इनको अलग अलग के सामने दिखा के पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मैच। इस तरीके से यूपीएससी आपको कन्फ्यूज करने की ट्राई करता है, तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहती है। उसके अलावा जैसे अभी मेन टॉपिक है हमारा जिसके जाने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो इससे आगे की इन्फॉर्मेशन जो इसके लिंक में आपको पता होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन होता है वो आपका क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोजोम्स दिखने में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक सिंगल पार्ट को क्रोमेटिड कहा जाता है। जब दो क्रोमेटिड एक दूसरे से मिलते हैं इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्रोमोजोम्स के अंदर एक बीड लाइक एक मोती के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये हर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीन। देखिए हमें कई बार बेसिक्स चीज़ों का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि वो किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टेटमेंट में मिल जाती है हमें। अब यहाँ पे जीन है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी गई हो कि बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई है, वो क्या है। अगर आपको उसके अंदर कई सारी चीज़ें दी गई, जैसे एक आपको क्रोमोजोम्स दिया गया है, एक आपको डीएनए दिया गया है, एक क्रोमेटिन मटेरियल दिया गया है, एक जीन दिया गया है, तो यहाँ पे बेसिक इकाई हमारी जीन होती है इनहेरिटेंस की, मतलब कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो जीन होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है हमारी। जो ये जीन है आपका, ये जीन के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। आई होप अभी यहां तक आपको समझ आया है कि डीएनए कहां पे पाया जाता है। अभी इससे आगे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएनए के बारे में, जिसकी आगे हमारी बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन होगी। तो वो कैसे हमें मिलेगा, हमें डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये किसी तरीके से प्रोग्रामिंग करता है और किस तरीके से ये काम करता है सेल के अंदर में। डीएनए को जिसने स्टडी किया था उन दो साइंटिस्ट का नाम था वाटसन एंड क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए को स्टडी किया, इन्होंने पाया जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे आपकी सीढ़ियाँ होती है घुमावदार सीढ़ियाँ, उसको हम सर्कुलर स्टेयर केस या रिवॉल्विंग स्टेयर केस भी कहते हैं, उससे मिलता हुआ स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ये एक स्ट्रैंड है, ये आपका दूसरा स्ट्रैंड है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा जो ये स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजें कौन सी हैं, एक तो आपका शुगर मॉलिक्यूल है इसके अंदर, दूसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप है।
जो बैकबोन है इस स्ट्रैंड का वो दो चीज़ों से मिलके बना है, सुगर मॉलिक्यूल एंड द फॉस्फेट ग्रुप। जब ये मिलते जाते हैं एक चेन बना देते हैं, उस चेन की ही एक फॉर्म है। इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन है, अभी तो हमारा स्केलेटन तैयार हुआ है, स्ट्रैंड तैयार हुआ है डीएनए का। इस सुगर मॉलिक्यूल के साथ में डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एक तीसरा जो एलिमेंट है वो अटैच होता है। सुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। हमारे डीएनए के अंदर चार तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं और डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, चार तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल हमें पता होना चाहिए कि कौन से पाए जाते हैं। जैसे एक का नाम है एडिनिन, दूसरे का नाम है थायमिन, तीसरे का नाम है साइटोसिन, चौथे का नाम है गुआनिन। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस, मैं सिर्फ अभी एक ही स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, इस ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस किसी भी सीक्वेंस में इस वाली बैकबोन मतलब स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होंगे सुगर मॉलिक्यूल से अटैच होके। इसी तरीके से दूसरे वाले स्ट्रैंड में हमारे पास चारों नाइट्रोजनस बेसिस सुगर मॉलिक्यूल से अटैच होंगे, लेकिन एक इनका फिक्स सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस कैसे डिसाइड होता है? ये नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे चार हैं, दो नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे दो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के साथ ही मिक्स होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिनिन और थायमिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब एक स्ट्रैंड पे एडिनिन प्रेजेंट होगा उससे अपोजिट स्ट्रैंड पे थायमिन ही मिलेगा, आपको साइटोसिन गुआनिन नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ। इसी तरीके से जब आपका साइटोसिन प्रेजेंट होगा एक स्ट्रैंड पे तो दूसरे स्ट्रैंड पे आपका गुआनिन प्रेजेंट होगा, और कोई नाइट्रोजनस बेस इसके सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एडिनिन और थायमिन के बीच में दो बॉन्ड होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं दो स्ट्रैंड के एडिनिन एंड थायमिन आपस में। इसी तरीके से साइटोसिन एंड गुआनिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कि एडिनिन बस थायमिन के साथ में जाएगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ में जाएगा, और इसी तरीके से दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्डिंग होती है और दोनों स्ट्रैंड मिलके एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो ये सीक्वेंस होगी लाइक जैसे कि पहली पोजीशन पे एडिनिन है, दूसरी पे हो सकता है आपका गुआनिन हो, तीसरे पे हो सकता है साइटोसिन हो, फोर्थ पे अगेन मान लीजिए गुआनिन हो। ये जो सीक्वेंस है आपकी नाइट्रोजन बेसिस की इसी स्ट्रैंड पे फिक्स होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। इसी की वजह से, इस यूनिक कोड की वजह से हर किसी इंसान का या हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक डीएनए यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिक माना जाता है, और इसी यूनिक की वजह से ही हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग में होता क्या है, हम इस सीक्वेंस को स्टडी करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में या किस इंडिविजुअल में ये सीक्वेंस क्या है। और अगर हमारा मान लीजिए कि कोई बच्चों का डिस्प्यूट है कि ये बच्चा किसका है, उस केस में क्या कर सकते हैं हम, पेरेंट्स की ये सीक्वेंस और बच्चे की सीक्वेंस के साथ मैच करके देखते हैं। तो अगर वो मैच हो जाती है, काफ़ी हद तक मैच हो जाएगी, अगर वो एक ही पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉम्बिनेशन होगा तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो पेरेंट और चाइल्ड एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से जो ये सीक्वेंस है हमारी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। मान लीजिए ये सीक्वेंस, हम बीटी कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, कॉटन प्लांट की भी इस तरीके से सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस में किसी सोइल के बैक्टीरिया का कोड मिक्स कर दें और दोबारा से उस कोड को हम कॉटन के प्लांट के अंदर डाल दें, तो अब जो ये कोड चेंज हुआ है हमारा, इस चेंज कोड की वजह से जो फंक्शनिंग है उसका सेल के अंदर वो भी चेंज हो जाएगा। यही बेसिस है बायोटेक्नोलॉजी का, और इसलिए मैंने आपको बताया बिगिनिंग के अंदर बेसिक्स हमारी इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जो हमारा फाइनल एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं तभी क्लियर हो पाते हैं हमें, जब हमें बेसिक्स के बारे में जानकारी होती है।
तो इसी तरीके से अगर हमने मान लीजिए इसको एक स्टेप आगे आपके साथ शेयर करना है कि ये हमारा स्टेटिक पार्ट हो गया, एडवांस पार्ट हो गया, एडवांस में करंट अफेयर्स भी अगर हमें लिंक करना है, जैसे कि एक टर्म है जो अभी न्यूज में आई है, डीएनए बार कोडिंग। अभी हमने पढ़ा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा डीएनए बार कोडिंग है। वो समझने के लिए हमें ये सारी स्टोरी पता होनी चाहिए। डीएनए बार कोडिंग में हम डिफरेंट स्पीसीज को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम एक ही स्पीसीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में। बट डीएनए बार कोडिंग, जैसे बार कोड होता है आपका बड़े बड़े मॉल्स में, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। डीएनए बार कोडिंग में हमारे पास ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी सीक्वेंसेस प्रिपेयर्ड हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग स्पीसीज की। जैसे ही हम उसको स्कैन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये किस स्पीसीज का है, और इस वाली चीज़ को हम डीएनए बार कोडिंग कहते हैं। और यही हमारा तरीका रहने वाला है हमारी क्लासेस में अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए, कि बेसिक, एडवांस और करंट अफेयर्स को आपको मर्ज करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा और ये काफ़ी इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर है, तो उम्मीद है आपसे आगे भी मिलते रहेंगे इसी सीरीज में। ऑल द बेस्ट।